सो हेलो एवरीवन, आपका लेक्चर 1 जो है अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, फंक्शंस पे, जिसमें हमने सारे इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ा, और इम्प्योर प्योर काइंड ऑफ फंक्शंस, ये सब के बारे में हमने पढ़ा, और कैसे जो है फंक्शन को इन्वोक किया जाता है, कॉल किया जाता है, वो पढ़ा। स्पेसिफिकली ये लेक्चर में हम सिर्फ जो है फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे। ये छोटा लेक्चर होगा, कुछ 15-16 मिनट का ही, ठीक है, और आपको जो है फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं वो बताया जाएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप का जनरली सिंटेक्स आपको पता है क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? एक्सेस, स्पेसिफायर, फिर इसके पास क्या होता है? रिटर्न टाइप। बहुत केस में एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा चीज़ स्टार्ट ही होता है रिटर्न टाइप से। हाँ, फिर इसके बाद क्या होता है? फंक्शन नेम, और फिर क्या होता है? पैरामीटर लिस्ट, है ना? उसी के हिसाब से आपको ये करना है। देखिए, पहला फंक्शन क्या है? फंक्शन एक्सीलेंस, मतलब फंक्शन का नाम क्या है? एक्सीलेंस, विच रिसीव टू स्टूडेंट नेम्ड आलिया एंड कालिया, है ना? तो दो स्टूडेंट है, आलिया एंड कालिया, ठीक है, एंड रिटर्न क्या? 1 और 0। तो आपके दो मतलब फंक्शन नेम क्या है? एक्सीलेंस, ठीक है। फंक्शन नेम के पीछे क्या लिखते हैं हम लोग? रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप विच रिसीव टू स्टूडेंट नेम्ड आलिया एंड खालिया, ठीक है। तो आलिया एंड खालिया जो है वो स्टूडेंट का नाम है, ओके, एंड दिस आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, और ग्रुप ऑफ लेटर्स किस में स्टोर करते हैं हम लोग? स्ट्रिंग में। तो आपका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, ठीक है? नहीं, रिटर्न टाइप तो यहाँ पर 1 और 0 बोला है, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है? 1 और 0। तो 1 और 0 किस में आते हैं? इंट में। तो इंट एक्सीलेंस, और आपके जो पैरामीटर्स हैं वो किस में होंगे? स्ट्रिंग में। एक होगा स्ट्रिंग क्या? आलिया, ठीक है, और एक होगा स्ट्रिंग खालिया, ठीक। जिस प्रकार से दिया होगा वैसे ही करिएगा, ठीक है। इवन यहाँ पर कैप्स लॉक भी ऑन मत करिएगा, ठीक है, केस सेंसिटिव है, आपको पता है ना। तो जिस प्रकार से केस मतलब है, सपोज स्मॉल ए है तो आपको स्मॉल ए ही लिखना है आलिया में, ठीक है, कैपिटल है तो कैपिटल, क्लियर? ये आपको समझ में आया किस तरीके से आपको फंक्शन लिखना होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप। दूसरा क्या देखिए, अब फंक्शन चेक, मतलब फंक्शन का नाम क्या है? चेक विच रिसीव अ कैरेक्टर सी एच ए आर एंड एन इंटीजर एन एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो इसका आपको फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे लिखना है? सबसे पहले फंक्शन का नाम लिख दीजिए, क्या होता है वो? चेक, फिर रिसीव अ कैरेक्टर सी एच ए आर, ठीक है, रिसीव कर रहा है क्या? पैरामीटर रिसीव करेगा, क्या पैरामीटर रिसीव कर रहा है? कैरेक्टर सी एच ए आर, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या देना है? कैर, फिर से क्या देना है? कैर, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर एक काम करिए, सी एच ए आर दे दीजिए, ए आर काट दीजिए, ठीक है, कैर सी एच दे दीजिए, क्लियर। एंड एन इंटीजर क्या? एन, मतलब इंट क्या? एन, एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स मतलब क्या रिटर्न टाइप होना चाहिए? बुलियन। तो यहाँ पर आप लिख दो क्या? बुलियन। समझ में आया आपको? सेमी कॉलन मत दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। हाँ, जैसा है वैसे ही लिखिएगा, सेमी कॉलन मत दीजिएगा। तीसरा वाला मेरे को लिख के बताओ क्या होगा? अ फंक्शन टोटल विच रिसीव अ सेंटेंस एंड रिटर्न इट्स लेंथ, इसका प्रोटोटाइप कैसे होगा? फंक्शन प्रोटोटाइप कोई बता सकता है? नाम लेके पुकारो बताने के लिए। बोर्ड में आके कर रहे हो आप?
बोलो कैसे करोगे? हाँ, फंक्शन टोटल, तो आपका फंक्शन का नाम क्या है? टोटल रिसीव अ सेंटेंस, सेंटेंस रिसीव कर रहा है मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग, एंड वी डोंट नो सेंटेंस का क्या बोला है, हम कुछ भी ले लें, ठीक है, स्ट्रिंग एस ले लेते हैं नाम, ठीक है, स्ट्रिंग एस एंड रिटर्न इट्स लेंथ, मतलब ये जो सेंटेंस है उसका मुझे लेंथ रिटर्न करना है, तो लेंथ किस पे रिटर्न करोगे आप? ठीक है, डबल में भी लेंथ, इंट में भी आएगा अगर बहुत बड़ा होगा तो, ठीक है, हाँ डबल में सेंटेंस, हाँ डबल में ले लो, ठीक है, सेफ रहोगे, डबल टोटल स्ट्रिंग एस, समझ में आया? चौथा वाला का क्या करोगे? अ फंक्शन गाइड विच रिसीव एन इंटीजर एन एंड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू इट्स कॉलर, क्या होगा इसका? ठीक है, मतलब रिटर्न तो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वॉइड, ठीक है, फिर गाइड, और फिर इसके बाद आप रिसीव कर रहे हो क्या? सिर्फ इंटीजर एन, तो इन एन, समझ में आया आपको? फिफ्थ वाला देखिए, अ फंक्शन कोचिंग विच रिसीव वन बुलियन एंड वन इंटीजर वैल्यू एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, तो कोई मुझे बैक बेंचर्स, कोई बोलो मुझे, हाँ बोलिए, आप बोलिए, ऐसा पूरा बोलिए ना, गाइड के बदले कोचिंग होगा, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, पहले क्या लिखूं? पहले इंट, ठीक है, फिर कोचिंग, इंट कोचिंग, ठीक है, फिर ब्रैकेट दे दीजिए, विच रिसीव वन बुलियन, हमें नहीं पता है क्या नाम, दे दो बुलियन बी दे दो, ठीक है, विच रिसीव वन बुलियन दैट इज बी एंड वन इंटीजर वैल्यू, इंट क्या दे दीजिए? इंट एन, ओके, समझ में आया आपको? कुछ और करोगे नंबर? हाँ, अ फंक्शन लिटिल विच डज नॉट रिसीव एनी वैल्यू बट रिटर्न एन इंटीजर, क्या होगा इसका? आप फंक्शन नेम क्या है? लिटिल, ठीक है, इट डज नॉट रिसीव एनी वैल्यू, उसको पैरामीटर में कुछ नहीं मिल रहा है, खाली डब्बा है, ओके, बट रिटर्न एन क्या? इंटीजर, तो दैट विल बी क्या? इंट, ओके, इंट लिटिल, फिर अ फंक्शन फ्लावर विच डज नॉट रिसीव एनी वैल्यू बट रिटर्न एन इंटीजर, क्या होगा इसका? ठीक है, फ्लावर विच डज नॉट रिसीव एनी वैल्यू, ओके, तो वो भी जनरली रिसीव कुछ नहीं कर रहा है लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है? इंट, ठीक है, तो इंट फ्लावर, ओके, एंड अ फंक्शन स्कूल विच नाइदर रिसीव एनी आर्ग्यूमेंट नॉर एनी रिटर्न वैल्यू, ठीक है, वॉइड स्कूल, ठीक है, वॉइड स्कूल, और वो कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये तीनों से कुछ पता चला गया? इंट लिटिल, इंट फ्लावर और वॉइड स्कूल से, हाँ, ठीक है, तो वही है, नेक्स्ट ये वाला बताइए, अ फंक्शन नेम्ड कंप्यूटर विच डज नॉट रिसीव एनी आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, पहले तो आपका कंप्यूटर, ठीक है, विच डज नॉट रिसीव एनी आर्ग्यूमेंट, तो वो खाली होगा लेकिन रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, तो बुलियन कंप्यूटर, बुलियन कंप्यूटर, नेक्स्ट अ फंक्शन नेम लाफ विच रिसीव अ बुलियन वैल्यू एंड ऑल्सो रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, बुलियन लाफ, बुलियन लाफ, बुलियन बी, नेक्स्ट अ फंक्शन नेम गूगल विच रिसीव एनी आर्ग्यूमेंट ऑफ स्ट्रिंग एच टी एंड अ कैरेक्टर सी एच ए आर एंड रिटर्न ए बुलियन वैल्यू, ठीक है,
रिटर्न अ बुलियन वैल्यू मतलब बुलियन गूगल, ठीक है, और फिर रिसीव एन आर्ग्यूमेंट, ये एन होगा, ठीक है, रिसीव एन आर्ग्यूमेंट ऑफ स्ट्रिंग एस टी, मतलब स्ट्रिंग एस टी कॉमा, ठीक है, यहाँ पर भी सी एच ले लीजिए, ठीक है, ए आर लेने से दिक्कत होगा, कैरेक्टर सी एच, फिर अ फंक्शन नेम्ड केमिस्ट्री नाइदर रिसीविंग एनी आर्ग्यूमेंट नॉर रिटर्निंग एनी वैल्यू, तो क्या होगा? अगर आप वर्ड नहीं लिखते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, राइट, और ये पूरा खाली रहेगा, इसमें आप सेमी कॉलन वगैरह मत डालिएगा, डॉट भी मत डाल दीजिएगा गलती से, ठीक है, तो गलत ठहराया जाएगा, क्लियर? अ फंक्शन नेम्ड लव विच रिसीव अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, इंट लव, फिर स्ट्रिंग एस, इंट लव स्ट्रिंग, है ना, इंट लव स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग डज नॉट लव इंट। अ फंक्शन एबीसी विच टेक्स टू इंटीजर वैल्यू एज इट्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ वैल्यू ऑफ डबल डेटा टाइप, क्या होगा? डबल फंक्शन नेम है एबीसी, डबल एबीसी विच टेक्स टू इंटीजर वैल्यू, मतलब क्या, इंट एन कॉमा इंट नम, जो भी, ठीक है, इंट एन कॉमा इंट नम। लास्ट वाला देखिए, राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन विच टेक्स टू इंटीजर एंड वन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ वैल्यू विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, समझिए क्या होगा? बुलियन, ठीक है, राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का नाम नहीं दिया है, ठीक है, तो बुलियन, बुलियन बुलियन कैसे देगा, बुलियन एक्सीलेंस विच टेक टू इंटीजर, दो इंटीजर ले लीजिए, क्या, इंट ए और इंट बी एंड वन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग सी, ठीक है, स्ट्रिंग सी एंड रिटर्न अ वैल्यू विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के लिए आपके लिए क्या है, बुलियन, तो समझ में आया आपको? हाँ, तो इस प्रकार से आपको फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना था, ये छोटा सा लेक्चर था आपके लिए, ओके, नेक्स्ट आपका जो है मैं बताने वाला हूँ व्हाट आर दी आइदर वे ऑफ इनवोकिंग अ फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम चार फंक्शंस के बारे में जो है पढ़ेंगे, रिसीव करना, रिटर्न करना, ठीक है, रिसीव तो करेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा, तीसरा क्या है, ना वो रिटर्न करेगा ना वो रिसीव करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, और चौथा वो क्या करेगा, रिसीव नहीं करेगा लेकिन रिटर्न जरूर करेगा, ओके, और ये चारों का आपने फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ पर देखा है, ठीक है, राइट, तो उसी पे जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम्स छोटा मोटा लिखेंगे, क्लियर, थैंक यू सो मच।